नमस्कार और स्वागत। देश में इन दिनों खुशबू की खेती किसानों के घर खुशियां बिखेर रही है। किसानों की आय बढ़े इसके लिए पूरे देश में एक अनूठी पहल सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है। अरोमा क्रॉप्स यानी सगंध पौध की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरोमा मिशन से कैसे बंजर बेकार पड़ी जमीनों से भी किसानों की आमदनी शुरू हो गई है और कैसे देश में वैज्ञानिकों और किसानों की साझा मेहनत से उन्नति के रास्ते खुल गए हैं, आइए देखते हैं। नदी, पहाड़, वादियां, रंग, हवाएं और इन हवाओं में मिली लैवेंडर की भीनी खुशबू। अगर धरती पर कहीं भी स्वर्ग की परिकल्पना की जाएगी तो उसमें इन बातों का जिक्र जरूर होगा। और इस खूबसूरती को निखारने के लिए भविष्य में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भदरवा के कुंजलाल भगत जैसे प्रोग्रेसिव किसानों का, जिन्होंने 2016 से अपने खेतों में खूबसूरत फूलों वाले लैवेंडर की खेती शुरू की है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही बंदों को और किश्तवाड़ या जो भी ऊपर हाईलीट्यूड पर जो रहते हैं उनको लैवेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, लैवेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और लैवेंडर जो है इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। करीब 2500 मीटर की हाइट पर आप इसका देखेंगे कितनी फुल ब्लूमिंग में है ये पूरी की पूरी क्रॉप। और ये एक ऐसी क्रॉप है जो यहाँ के फार्मर्स का भविष्य बदल सकती है। जैसा कि अरोमा मिशन का हमारा लक्ष्य है किसानों की आय को दुगने से ज़्यादा बढ़ाना। विगत कुछ साल से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चकोटधार के किसान दर्शन लाल भी जंगली गेंदा यानी वाइल्ड मैरीगोल्ड की खेती बड़े उत्साह से कर रहे हैं। जहां मेरी मक्की 15 क्विंटल ये वहां 30-35 क्विंटल निकलता है, रेट बराबर जा रहा है। मक्की 1400 ये 1500 है। सुगंध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हल्दी तो हमेशा से भारतीय खान पान का अभिन्न हिस्सा रही है, मगर गुणकारी हल्दी के पत्तों से बड़े स्तर पर तेल निकालने के लिए प्रयास हाल ही में शुरू हुए हैं। और ऐसा हो रहा है क्योंकि देश भर के किसान एक सार्थक बदलाव, एक मिशन का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत किसान अपने खेतों में ऐसी फसल लगा रहे हैं जिनसे औषधीय गुणों से युक्त सुगंधित तेल तैयार किया जाता है। इस मिशन का नाम है अरोमा मिशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, अरोमा यानी सुगंध। ये सुगंध हमारे आम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, खाद्य सामग्री, परफ्यूम्स, हम में से हर व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग रोज हर दिन करते हैं। खुशबू के बगैर हम रोजमर्रा की इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह जब हम उठते हैं और हम ब्रश करते हैं तो वहीं से ही एसेंशियल ऑयल का रोल शुरू हो जाता है। अगर आपके टूथपेस्ट में मिंटी स्मेल ना हो, वो जो फ्रेशनेस आती है जो कि पुदीने के तेल में होती है, तो उससे जो है हमारा ब्रश करते हैं और हमें बड़ी सूदिंग सी बड़ी अच्छी स्मेल मिलती है। फिर हम अगर स्नान करने जाते हैं और साबुन में खुशबू ना हो तो भी हम नहीं चल सकते हैं। अब सवाल है, हमारी जिंदगी की तमाम जरूरी चीजों में खुशबू कहां से आती है? इसके पीछे है अरोमा मिशन की दूरदर्शी सोच और देश के किसानों की मेहनत। सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती से इंडस्ट्री को बेशकीमती सुगंधित प्राकृतिक तेल मिलता है जो अलग अलग माध्यमों से हमारी और आपकी जिंदगियों में सुगंध पहुंचाता है और पहुंचती हैं खुशियां अरोमा क्रॉप्स की खेती करने वाले किसानों के घर तक। बंदर वगैरह जैसे जमीन खाली रहती थी हमारी, बंदर खा जाते थे, मक्की को बंदर खा जाते थे। जैसे कि फिर हमने गेंदा शुरू कर दिया, जंगली गेंदा बिजना। ये IHBT पालमपुर वाले ने ऐसा बताया कि अरे खेती खाली क्यों है जमीन, उन्होंने कहा बंदर खाते क्या करना है इसमें। फिर उन्होंने बीज बाज दिया, फिर हमने इसका जो तो बीज फेंका जमीन में और काफ़ी फसल आने लगी। ये एरोमेटिक जो प्लांट्स है इससे हमें यही फायदा दिखाई दिया कि मक्की और धान जो गेहूं से ये 3-4 गुना ज़्यादा है।
सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती का रकबा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत जल्द ही देश की इंडस्ट्री की इसेंशियल ऑयल की जरूरत भी हिंदुस्तान के खेतों में उपजे अरोमा क्रॉप से पूरी हो जाएगी और कुछ साल बाद प्राकृतिक खुशबूदार तेल की ग्लोबल डिमांड पूरी करने में भी भारत बड़ा भागीदार होगा। आज से करीब 30 साल पहले हमारा देश मेंथॉल का आयात करता था और पिछले 20 साल से हमारे सीमैप के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिंट ऑयल प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने हुए हैं। दुनिया का जो मेंथॉल नेचुरल मेंथॉल टोटल प्रोड्यूस होता है उसका 80% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मेंथा को छोड़ के हम लोग और एटलीस्ट 4-5 क्रॉप में इंडिया को नंबर 1 बना लें, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। इससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत फायदा होगा और हम लोग भी जो इम्पोर्ट करते हैं आज बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, इसके जगह में हम लोग हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी करने लगे। CSIR लैब IIIM जम्मू के वैज्ञानिकों की दो टीमें सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू से और कश्मीर से डोडा जिले के भदरवा पहुंची हैं ताकि किसानों में लैवेंडर के पौधे मुफ्त बांट सकें। मकसद ये कि कश्मीर की तर्ज पर जम्मू क्षेत्र की ये चेनाब वैली भी एक दिन लैवेंडर वैली बनकर विश्व पटल पर स्थापित हो सके और यहाँ के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जाए। हिस्टोरिकली जो हम पिछले 15-20 साल से लैवेंडर कश्मीर वैली में कर रहे थे IIIM, और 4-5 साल पहले हमने इसको सोचा कि क्यों ना हम इसको जम्मू में ले आएं, क्योंकि वेदर एक सा है, बर्फ़ चाहिए इसको, बर्फ़ यहाँ भी पड़ती है, अल्टीट्यूड भी वही है। तो यहाँ पर जब हमने लैवेंडर इंट्रोड्यूस किया तो जो पिकअप हुआ फार्मर्स के अंदर वो बहुत रैपिडली हुआ, कश्मीर से भी ज़्यादा तेज़ी से हुआ, और जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ वो एक्चुअली सुपीरियर क्वालिटी का ऑयल प्रोड्यूस हुआ। तो जो वैल्यू है 10-11 हज़ार रुपए तक फार्मर्स को इसकी वैल्यू मिल रही है। जम्मू क्षेत्र की चेनाब वैली से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के मंडी के चकोटधार के किसान भी सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती से खासे उत्साहित हैं। जब हमारा गेंदा ना इसमें मेहनत करना, हमने ना तो इसको बंदर देखना है ना तो सूर देखना है, ये एक्चुअली 15 क्विंटल जहां मक्की निकलती है ये हमारा 30-40 क्विंटल निकलता है। आवश्यकता पड़ने पर IHBT की तरफ से ऐसे मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट्स हार्वेस्टिंग सीजन में किसानों के बीच पहुंचा दिए जाते हैं ताकि किसान अपनी तैयार फसल डीलर या बिचौलिए को देने की बजाय इसका तेल निकालकर सीधे बाजार में बेचें और बेहतर मुनाफा कमाकर खुद की और देश की आर्थिक तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। छोटे डिस्टिलेशन यूनिट हैं और किसान के छोटे छोटे जो क्लस्टर्स होते हैं जिसमें 15 से 20 किसान होते हैं और हम उनको उन्हीं के जो उनकी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं उनके तहत हम उन्हीं के फील्ड में इनको डिस्टिलेशन यूनिट को एस्टेब्लिश करते हैं और उनको हम पूरी प्रशिक्षण देते हैं जिससे कि वो अपना जो फसलों का तेल है उसको वो डिस्टिल कर सकें और उसको खुद अपना तेल तैयार कर सकें और वैल्यू एडिशन कर सकें अपनी फसल के लिए। अरोमा क्रॉप्स की खेती को लेकर देश के किसानों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी वजह साफ है, किसानों का मुनाफा बढ़ा तो उन्होंने इसे अपनाना शुरू कर दिया। अरोमा क्रॉप्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कम पानी हो या बाढ़ जैसे हालात, फसल को जानवर नुकसान पहुंचाते हो या ट्रेडिशनल खेती के लिए जलवायु अनुकूल ना हो, हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई अरोमा क्रॉप मौजूद है जिनकी खेती किसान आसानी से कर सकते हैं। अरोमा मिशन की सफलता के पीछे CSIR के सभी पार्टिसिपेटिंग लैब्स के वैज्ञानिकों का निरंतर प्रयास है। हमारी 5 प्रयोगशालाएं हैं, एक जोरहाट में है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कैटर करती है, दूसरा एक जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है वो मिलकर काम कर रही है, एक पालमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी है और 2 प्रयोगशालाएं, एक हमारी प्रयोगशाला, एक नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये 5 प्रयोगशालाएं मिल करके मिशन मोड में किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए एरोमेटिक क्रॉप्स का डिप्लॉयमेंट, उसकी खेती को प्रमोट कर रहे हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में पूरे देश में
कम से कम 6000 हेक्टेयर नई जमीन में अरोमा क्रॉप्स यानी सगंध पौधों की खेती शुरू हो जानी चाहिए और अभी तक की उपलब्धियां बेहद उत्साहजनक हैं। कहीं लेमन ग्रास की खेती लहलहा रही है तो कहीं पामा रोजा की, कहीं मिंट की फसल लगाई गई है तो कहीं वेटिवर यानी खस की। अरोमा मिशन के तहत कुल 17 अरोमा क्रॉप्स हैं जिनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरोमा क्रॉप का चयन इस तरह से किया गया है कि सभी प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के लिए कोई ना कोई अरोमा क्रॉप मौजूद हो। हमारी जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, अगर पानी कम है तब भी अच्छा फायदा देंगी, फ्लड की सिचुएशन है, नदी का किनारा है, वहाँ के लिए हमारी क्रॉप्स हैं वो भी फायदा देंगी। हाई अल्टीट्यूड पे, हिल्स पे, जहाँ पर कि जानवरों का बड़ा प्रकोप है, वहाँ पर हमारे पास क्रॉप्स हैं जो कल्टिवेट कर सकते हैं। जंगली गेंदा है, लेवेंडर जो बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रॉप है, तो वो हमारी जम्मू की लैब है, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, रेनफॉल इज डिफरेंट, ये जो सब पूरा डाइवर्सिटी है हमारा, उसमें भी हमारा डाइवर्स एरोमेटिक प्लांट्स बढ़ते हैं, सो ये हमारा फायदा है। ध्यान इसका भी रखा गया है कि किसानों को कम लागत में अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा तेल देने वाले अरोमा क्रॉप्स की किस्म ही बांटी जाए। लेवेंडर जो कि एक एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक का मतलब है ये जो लेवेंडर का पौधा है, इसको हम काश्त करेंगे तो इससे हमें जो फ्लावर्स आएंगे, फूल आएंगे, उस फूल का हम तेल निकालते हैं, जो ऑलरेडी हमने आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर बताया है। मैं आपको इस लेवेंडर का लगाने का तरीका बताता हूँ। ये जो पौधा है, इसमें ये एक साल का पौधा है, इसमें नीचे जड़ है, रूट है, इसको आप लगाएंगे, थोड़ा सा आधे फुट का गड्ढा खोद के नीचे लगाना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है और 2-3 बार इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर पानी देते रहना है। आप में से ही अगर हम अभी यहाँ ही पे देखेंगे 3-4 फार्मर जिनको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, जिन्होंने 2 कनाल से स्टार्ट किया है, 3 कनाल से स्टार्ट किया है और आज 50 कनाल, 100 कनाल तक भी उन्होंने काश्त बढ़ा दी है। लेकिन मेन एम और ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका यही रहेगा कि आपकी इनकम बढ़ जाए। लीफ ऑयल के लिए हल्दी या करक्यूमा की कौन सी किस्म सबसे बेहतर रहेगी, ये जानने के लिए पूरे देश से 38 तरह की हल्दी की पौध NBRI लखनऊ की नर्सरी में लगाई गई। तो CSIR NBRI ने जो केसरी नाम की किस्म विकसित करके किसानों के बीच अरोमा मिशन में हम लोग ले जा रहे हैं, उसमें ये गुण है, इसकी उपज अच्छी है, इसकी पत्तियों का जो तेल है उसके लिए जो उसके रासायनिक संगठन है उसके हिसाब से हमने इंडस्ट्री से नेगोशिएट करके उसका एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस अरोमा मिशन के अंतर्गत जो किसान भाई केसरी खेती उगा करके उसकी पत्ती का तेल निकालेंगे उसकी बिक्री सुनिश्चित है। दुनिया की अरोमा इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है, लेकिन एसेंशियल ऑयल की सप्लाई पूरी नहीं होने की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की अरोमा इंडस्ट्री कृत्रिम और सेमी कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन उनकी मंजिल और आखिरी चॉइस अब भी यही है, शुद्ध प्राकृतिक फूलों, पत्तों, जड़ों से तैयार होने वाली एसेंशियल ऑयल। इसका काफी बड़ा डिमांड हिंदुस्तान में और विदेशों में है, जो कि अभी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, तो चूंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है और उसका हिंदुस्तान में एक कल्टीवेशन एरिया बहुत है, यहाँ फार्मिंग बहुत है, छोटे और बड़े मिला के बहुत किसान हैं यहाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक मूव शुरू किया है अरोमा मिशन। जो मोस्ट प्रेशियस क्रॉप्स हैं जैसे लेवेंडर, क्लेरिसेज, जेरेनियम, रोजमेरी, ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है इनकी, और जितनी डिमांड इंडिया से है उसका हम 1% भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। जैसे लेवेंडर यहाँ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आज कीमत फार्मर को 10,000 रुपये पर लीटर मिल रही है, जो फार्मर पर एकड़ 10,000-12,000-15,000 रुपये कमाता था आज वो ईजिली 1-1.5 लाख रुपये कमा रहा है, और बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो आपने फील्ड में जाके देखा होगा। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत इनको तैयार करना है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देना है इनको, हर फार्मर को हम लोग 1 एकड़ के लिए प्लांटिंग मटेरियल फ्री दे रहे हैं, 40-50 फार्मर का जो क्लस्टर है उसमें एक डिस्टिलेशन यूनिट लगा के दे रहे हैं 2 टन 1 टन का,
और उसके साथ साथ हम बायबैक गारंटी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया की एसेंशियल ऑयल मार्केट में फ्रांस के ग्रास शहर का दबदबा है। करीब 3000 साल से हजारों किस्म की प्राकृतिक खुशबू दुनिया में बिखेरने वाले फ्रांस के ग्रास शहर को दुनिया का परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः गुलाब और जैस्मिन से बनने वाले फ्रेंच परफ्यूम्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ग्रास दुनिया का परफ्यूम कैपिटल है तो उत्तर प्रदेश का शहर कन्नौज हिंदुस्तान का परफ्यूम कैपिटल। फ्रांस के ग्रास शहर की तरह यहाँ भी सुबह होते ही बागों से ताजे फूल तोड़कर प्रोडक्शन यूनिट्स तक लाए जाते हैं और पारंपरिक पद्धति से डिस्टिलेशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का शुद्ध एसेंशियल ऑयल तैयार कर लिया जाता है। कन्नौज का इत्र उद्योग भी 5000 साल पुराना है। यहाँ 200 से ज्यादा इत्र की फैक्ट्रियां हैं। आबादी का करीब 80% हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से सिर्फ इत्र उद्योग से जुड़ा है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में अच्छे इसकी खपत है। मिडल ईस्ट एक अच्छी मार्केट है जहाँ पे हमारे टाइप के जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके लिए फ्रेग्रेंसेस बनते हैं वो वहाँ पे बहुत प्रेफर किए जाते हैं मिडल ईस्ट में। केंद्र सरकार के सहयोग से CSIR के प्रतिष्ठित लैब्स द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना अरोमा मिशन के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे अरोमा क्रॉप्स हों या उससे निकले एसेंशियल ऑयल या खुशबूदार तेल से बने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बिंदु पर विशेष ध्यान रखा जाता है। CSIR लैब्स के वैज्ञानिकों ने देश के किसानों के लिए सही अरोमा क्रॉप्स का चयन किया, उसकी वैरायटी तैयार की, डिस्टिलेशन यानी आसवन तकनीक में सुधार किया ताकि ज्यादा तेल निकले और तेल की गुणवत्ता काफी बेहतर हो। CMAP लखनऊ ने डिस्टिलेशन यानी आसवन के लिए कई उन्नत डिजाइन तैयार कर उसका मास प्रोडक्शन कराया है ताकि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी उपयुक्त डिस्टिलेशन यूनिट्स दी जा सकें। इस क्रॉप में स्टेम, लीफ और फ्लावर तीनों में इसमें ऑयल होता है और कंटेंट होती है, तो इसको हम 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच, 1 फीट जैसा भी स्टेम अगर मोटा ज़्यादा है तो उसको 1 फीट छोड़ देते हैं, वरना हार्वेस्ट करके एज इट इज उसको इस टैंक में भर देते हैं। पारंपरिक हाइड्रो बेस्ड भपका आसवन इकाई भी इस वक्त काफी इस्तेमाल में है, खासकर इत्र नगरी कन्नौज में। लेकिन CSIR लैब्स के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आसवन इकाइयों की खूबी ये है कि इनमें तेल की रिकवरी 10-12% अधिक होती है। 5-6 घंटे की जगह 3-4 घंटे में तेल निकल आता है। 20-30% तक ईंधन की बचत हो जाती है। टिकाऊ, रखरखाव में आसान होने के साथ ये 200 किलो से लेकर 2000 किलो की क्षमता में उपलब्ध है। किसान जो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूनिट लगाता है उसकी तुलना में जो हमारी डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं उसमें 15-20% ऑयल की यील्ड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर एक स्टेप पे अगर हम 15-20% की इंक्रीज कर सकें तो टोटल मिला के 50-60% की इंक्रीज हो जाती है। तो हर एक जो लैब है वो इम्प्रूव्ड वैराइटीज, इम्प्रूव्ड एग्रो टेक्नोलॉजीज, इम्प्रूव्ड डिस्टिलेशन यूनिट्स ये किसानों को अवेलेबल करा रही हैं जिससे कि वो उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अधिक से अधिक बढ़ सके। ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, खरा उतरने के लिए ये भी जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियों में तैयार तेल की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सर्टिफाइड हो। इसलिए अरोमा मिशन से जुड़ी एजेंसियों में 1-1 अत्याधुनिक लैब्स तैयार किए गए हैं। यहाँ उच्च स्तर की गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन लगाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल फ्रांस के ग्रास शहर के उन्नत लैब्स में भी होता है। ये मशीन हर प्रकार के एसेंशियल ऑयल के घटकों का प्रतिशत बताने के साथ उनकी अरोमा प्रोफाइल भी तैयार कर देती है। इस जंगली गेंदे के तेल से हमने 2 मॉलिक्यूल्स जो करीब करीब 50% जंगली गेंदे के तेल में होते हैं वो हमने सेपरेट किए हैं
इनमें से एक ऑसिमीन है और दूसरा डाईहाइड्रोटेजिटोन है। डाईहाइड्रोटेजिटोन जो है हमारे घरों के जो गेंदे होते हैं उन गेंदों के अंदर जो खुशबू होती है उस खुशबू का होता है। अगर आप देखें तो तीनों को आप देख करके ही बता सकते हैं कि तीनों अलग हैं, लेकिन जो ये टेजिटस मैन्यूटा का ऑयल है उसके अंदर से ये दो मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं इनकी गुणता पहचानने के लिए। अरोमा मिशन के तहत एक कोशिश तो ये है कि किसान अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक तेलों का उत्पादन करें, और दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इन तेलों से कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाएं, ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिले, तेलों की डिमांड भी बढ़े। ट्रिपल IIM जम्मू के लैब्स में अरोमा किट्स के साथ मस्कीटो रिपेलेंट्स तैयार किए गए हैं, तो NBRI लखनऊ के लैब्स में हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। दो प्रोडक्ट NBRI ने डेवलप किए हैं, एक अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर है जो डिफरेंट वेरिएंट्स डिफरेंट एरोमेटिक फ्लेवर में अवेलेबल है, डेवलप किया है। दूसरा है फ्लोर क्लीनर, और ये प्रोडक्ट केवल एंटी माइक्रोबियल और फ्लोर क्लीनर का ही काम नहीं करता है, इसमें विशेष फीचर्स भी हैं जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी भी है इसमें। किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज भी अपने तरीके से देश के इस खुशबू कारोबार को आगे ले जाने में बखूबी योगदान दे रहे हैं। चंदौसी की हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो अमेरिका से लेकर कई देशों को एसेंशियल ऑयल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रही है। चंदौसी स्थित हिंदुस्तान मिंट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट में एक तरफ मेंथा ऑयल के घटक तेलों को अलग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 96% तक शुद्ध तेल से बने क्रिस्टल्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका हिंदुस्तान में मेंथा ऑयल का इस समय जो प्रोडक्शन है वो करीब 45,000 टन मेंथा ऑयल पूरे इंडिया में बनता है। इसके 45,000 टन में करीब 37,000 टन के फिनिश प्रोडक्ट बनकर विदेश को चले जाते हैं। उसी तरह एक्जॉटिक एसेंशियल ऑयल से लेकर फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निर्यात कारोबार में जुटी साहिबाबाद की अल्ट्रा इंटरनेशनल कंपनी ने भी इस मकाम को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। किसानों की मेहनत से देश की मिट्टी में जो खुशबू उपज रही है वो हिंदुस्तान मिंट और अल्ट्रा इंटरनेशनल जैसी देश की बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरकर नई शक्ल नए अंदाज में पूरी दुनिया में पहुंच रही है। जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है, US में जाता है, यूरोप में जाता है हमारा, मिडिल ईस्ट में जाता है, एशियन कंट्रीज में जाता है। इत्र नगरी कन्नौज में भी कई पीढ़ियों से इत्र कारोबार से जुड़े उद्यमी बताते हैं कि अरोमा मिशन उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है एक सरकार का, किसान अगर मोटिवेट होता है ये चीजें उगाने के लिए तो वी गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। मैं आपको बताऊं, तुलसी हम लोग इतने साल से कह रहे हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, पर इस तरह का मैसिव प्रोडक्शन या कल्टिवेशन ऑफ तुलसी नहीं हुआ है जो पिछले 10 या 15 साल में हुआ है। अरोमा मिशन की पूरी योजना में आशंका सिर्फ एक बात को लेकर है, आने वाले कुछ सालों में ओवर सप्लाई की स्थिति तो नहीं हो जाएगी। ओवर सप्लाई की स्थिति में एसेंशियल ऑयल्स की कीमत गिरी और किसानों का मुनाफा गिरने लगा तो क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगले 20-25 साल तक इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल मिनिमम 20% है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इस वक्त इंडिया से लेवेंडर ऑयल की डिमांड है 40,000 किलो, हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम 3,000 किलो, तो 3,000 से 40,000 में पहुंचने में आप सोचिए कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा और कितनी ग्रोथ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर आदमी टूथपेस्ट भी करता है, चिंगम भी इस्तेमाल करता है, मेडिसिन भी खाता है, एरोमाथेरेपी के ऑयल्स भी यूज करता है, तो मतलब आप ये समझिए कि सुबह उठने से लेके टॉयलेट से लेके धूप बत्ती अगरबत्ती स्प्रे परफ्यूम हर आदमी को ना शाम तक चाहिए ही चाहिए, तो इसके डिमांड आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी।
साफ है, देश में अरोमा क्रॉप्स की खेती बढ़ रही है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एसेंशियल ऑयल से लेकर इनके फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हर साल लगातार बढ़ रही है। यानी कम से कम एक से डेढ़ दशक तक तो चिंता की कोई बात नहीं है। उन्नति की सुगंधित फसल देने वाली अरोमा क्रॉप्स की खेती से देश के किसान महत्वाकांक्षी कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं और अपने साथ साथ देश का भविष्य संवारने में भी योगदान दे रहे हैं। मेहनत किसानों की, मेहनत वैज्ञानिकों की और मिशन सरकार का, तब जाकर हमारी जिंदगी में घुल रही है खुशबू की मिठास और खुशहाली आ रही है देश के किसानों के घर तक।